हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा हमारे चैनल को ताकि वीडियोस मिलती रहे एक वीडियो ऑलरेडी डाल दी है जहां पर हमने बात करी है डिविजन लेबोरेटरीज से रिलेटेड कि यहाँ पर किस तरीके से शेयर यहाँ पर अब अच्छा नजर आता है और शेयर में अच्छी खासी तेजी नजर आती है और इस पर्टिकुलर शेयर में आ, वीडियो में हम बात करने वाले एक कंपनी से रिलेटेड जिसका नाम है ड्रीम फॉक्स ड्रीम फॉक्स का आईपीओ यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और आज इसका लास्ट डे है ओके okay, सब चीज चेक करने के बाद मैं कुछ कंक्लूजन पे आया हूँ और उससे रिलेटेड हम यहाँ पर अब बात करने वाले एक्चुअली अब ड्रीम फॉक्स करती क्या है उससे रिलेटेड पहले बात कर लेते हैं तो ड्रीम फॉक्स एक ऐसी कंपनी है जो कि यहाँ पर अलग अलग लाउंज के बिजनेस में यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है लॉन्च होता क्या है तो लॉन्च आप जब यहाँ पर एयरपोर्ट पे जाते हैं ओके okay, यहाँ पर आप हवाई यात्रा करते हैं तो उस दौरान आप कभी जल्दी पहुंच जाते हैं या आपकी फ्लाइट डिले होती है तो एट दैट मोमेंट आप यहाँ पर पसंद करते हैं कि अब जाएगा तो या तो नॉर्मल बाहर बैठ जाओ ओके जो यहाँ पर एयरपोर्ट पे दे रखा होता है या फिर आपका लॉन्च एक बना होता है एक बिल्कुल ही आलिशान तरीके से जहाँ पर एक बड़े बड़े बिजनेस क्लास लोग यहाँ पर आपको बैठते हुए आ, दिखाई देंगे तो वहां पर आप जाके सिंपली एंजॉय कर सकते हैं बैठ सकते हैं मैगजीन पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग तो वहाँ पर जाके कुछ खा पी सकते हैं एज वेल एज बहुत सारी सुविधा और दी जाती है अगर आप उनमें पसंद हो तो आप वो भी कर सकते हैं जैसे कि अगर यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगी कि ये इनकी सर्विसेज है जैसे कि स्पा सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं ओके okay, यहाँ पर अगर बात करें फूड एंड बेवरेज ये प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं आप उनका एक क्लाइंट रहेगा उनके एम्प्लॉय रहेगा आपको इंटरटेन करता हुआ नजर आएगा लोन एक्सेस यहाँ पर आपको मिलता हुआ नज़र आता है ट्रांसमेट होटल एंड नैप रूम भी यहाँ पर मिल सकता है ये कुछ देखिए बाकी ये सारी की सारी जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सर्विसेज की तो देखिए इनके जो ये कार्ड होते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे आपके पास क्रेडिट कार्ड्स होते हुए दिखाई देते हैं तो उसमें आपको अलग-अलग बैंक अलग-अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देता है उसमें से आपको कह दिया जाता है कि आपको साल में दो लॉन्च फ्री है या एक लॉन्च आपका यहां पर फ्री फ्री है तो, उस, तो उसके अकॉर्डिंग पर आप कार्ड लेना ही पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर उससे फ्री एक्सेस कर सकते हैं इन लॉन्च पे जाके एस वेल डिपेंड ऑन कार्ड की आपके पास किस तरीके का कार्ड है ओके हर एक कार्ड की अलग अलग वैल्यू होती है हर एक कार्ड का अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है तो उस बेस पे यहाँ पर काम किया जाता है तो यहाँ पर ये जो ड्रीम फॉक्स है तो ड्रीम फॉक्स का मोस्टली जितने भी बैंक्स है ओके okay, यहाँ पर देखिए हिटाची ऐसे ऐसे आई ओके एज वेल एज यहाँ पर कुछ और जैसे कि या, इंडिगो इंटरमाइज इजी माई ट्रिप्स तो इनके साथ यहाँ पर टाई अप्स है तो इसमें केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर मास्टर रुपए वीजा कार्ड जितने भी ये कार्ड्स है आपको एक या दो लॉन्च यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए दिखाई देते हैं कि सर आपके आ, एक लॉन्च आपका फ्री है या दो लॉन्च फ्री है तो केवल एंट्री करने तक फ्री है याद रखिएगा अगर आप इस तरीके की कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उस केसेस में अगर आप सोच रहे हैं कि वो भी फ्री रहेगा वो फ्री नहीं रहेगा ओके okay, और होता क्या है कि इनका खुद का सॉफ्टवेयर ओके okay, ये देखते हैं कार्ड को देखते हैं हाँ ठीक है आपका फ्री एक्सेस है या नहीं है फिर किस तरीके की सर्विसेज ऑन दैट कार्ड मतलब उस पर्टिकुलर कार्ड पे अवेलेबल है वो सब चीज़ यहाँ पर देखते हुए नज़र आते हैं चेक करते हुए नज़र आते हैं और फिर यहाँ पर उस तरीके की आपको ये सर्विस देते हुए नज़र आते हैं एज वेल एज़ आप तो यहाँ पर फ्री में जाते हैं क्योंकि आपके कार्ड पे वो फ्री है बट अगर हम बात करें ये जो पर्टिकुलर कंपनी है जिस भी पर्टिकुलर बैंक का आपके पास कार्ड है जिसमें वो फ्री एंट्री मिली है तो उस उससे ये आ, उस पर्टिकुलर बैंक से ये कुछ ना कुछ यहाँ पर चार्ज करते हुए दिखाई देते हैं उस सर्विस के लिए जो आप यहाँ पर अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं एंट्री फीस के तो यहाँ पर देखेंगे इनका प्रेजेंस लगभग पांच सिटीज में मौजूद है आ, इसके अलावा चौदह टच पॉइंट्स है 121 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है और लिस्टेड होने जा रही है पहली ऐसी कंपनी है देखिए पियर्स कंपनी हर एक की होती है बट बात करें इंडिया में लगभग 80% परसेंट का मार्केट शेयर है मोर देन 80% परसेंट का और बात करें यहाँ पर आ, ये पर्टिकुलर कंपनी की एक तो मोनोपोली दिखाई देती हुई नजर आती है और ऐसी पहली है जो लिस्ट होती हुई दिखाई दे रही है और ऑल अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पर प्रेजेंस है ही क्लाइंट की बात करें तो बड़े बड़े नाम मैंने ऑलरेडी आपको गिना दिया बट स्टिल आप देखना चाहते हैं तो कार्ड के जितने भी नेटवर्क है कार्ड इशूअर जितने भी हैं एज वेल एज कारपोरेट क्लाइंट्स की बात करें जैसे कि एयर एशिया जितने भी इजी ट्रिप में और वर्ड ऑफ वोडोफोन आइडिया इनके साथ भी इनके क्या है कॉन्टैक्ट्स है इनके साथ इनके क्लाइंट है और टाइप uh, है तो आपको होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इनका बिजनेस ओवरऑल क्या है तो वही इनका बिजनेस यहाँ पर इन्होंने बता रखा है तो अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स तो इनके फाइनेंशियल से आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके के कि यहां पर इनके फाइनेंशियल्स है तो यहां पर 20 21 22 का डेटा है ओके यहां पर नेटवर्थ यहां पर लगभग एक दो साल सेम थी और ये समझ सकते हैं कोविड का एरिया था और इसके एज वेल एज कोविड पूरा यहाँ पर आया हुआ था जिस वजह से यहाँ पर जो सेल्स है वो एकदम फ्लैट होती हुई दिखाई दी बट जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ जैसे धीरे धीरे ओपन अप होता हुआ दिखाई दे रहा है पूरा वर्ल्ड तो इस केसेस में यहाँ पर इनकी नेटवर्क दोबारा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और देखिए जो लॉन्चेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में अड़ानी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि क्यों एक्वायर किया है तो आपको समझ में आया होगा कि आने वाले टाइम में 220 एयरपोर्ट इंडिया में और बनने जा रहे हैं जो यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे तो उसमें ये कंपनी यहाँ पर लीड पोजिशन पर आती हुई दिखाई देगी दोबारा इनका बिजनेस और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इकतीस इकतीस करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर इनको 2020 में प्रॉफिट हुआ था डिविडेंड कोई कंपनी देती नहीं है 2021 में आपको पता ही है सब कुछ शर्ट हो, शर्ट हो गया था तो यहाँ पर नेगेटिव इनका आ, ये प्रॉफिट था बट इसके बाद देखें तो दोबारा 16 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया है तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पर ये सब चीज दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर प्री कोविड लेवल पर इन्हें आना है कि प्री कोविड लेवल पे ये आते हुए दिखाई देंगे उस केसेस में आप यहाँ पर कुछ चीज रिवेन देख के फिर यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं बात करें कंपनी की तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है ओके यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं है कंपनी कुछ ऐसा बना रही हो बना के कुछ बेच रही हो सिंपल एक सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर ये, ये खुद बनाते हैं और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये पूरा का पूरा काम करते हुए दिखाई देते हैं तो यहाँ पर जो ये आ रहा है पूरा का पूरा जो ये जितने पैसे लगभग पांच करोड़ रुपए ये, ये यहाँ पर आते हुए आ, मतलब पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल मतलब यहाँ पर जो हिस्सेदारी है वो बेची जा रही है और उसे बेच के यहाँ पर पूरा पैसा इकट्ठा किया जा रहा है लगभग सोलह टाइम्स ये शे, आ, ये आईपीओ ऑलरेडी भर चुका है एज वेल एज अगर हम बात करें ये शेयर ये चौबीस तारीख को ओपन हुआ था आईपीओ छब्बीस तारीख मतलब आज के दिन ये लास्ट डेट है ओके दो रुपए की फेस वैल्यू पे ये शेयर आ, आ रहा है और बात करें तीन सौ आठ से तीन सौ छब्बीस रुपए तो यहाँ समझिए तीन सौ छब्बीस रुपये का ही यहाँ पर आपको शेयर मिलने वाला है क्योंकि ऑलरेडी सिक्सटीन टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब हो गया है फोर्टी सिक्स शेयर मतलब एक लॉट में फोर्टी सिक्स शेयर है उसके लिए आप मिनिमम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम की बात करें तो थर्टीन शेयर आप ले सकते हैं ओके रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो लगभग टेन परसेंट का यहाँ पर अलॉटमेंट रख रखा है फिफ्टीन परसेंट रख रखा है इन्होंने एच एन आईज और एन आई आईज़ के लिए और बाकी क्यू आई बी के लिए सेवेंटी फाइव परसेंट जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी शामिल है और प्रोमोटर्स की बात करें तो लिबरथा पीटर कलाट मुकेश यादव एंथनीश नागपाल आर द कंपनी प्रमोटर्स और मोस्टली सारे के सारे मतलब 15 परसेंट ये 15 परसेंट ये और 8 परसेंट ये लिब, आ, लिबर था तो ये सारे के सारे यहां पर अपने शेयर्स बेचते हुए नजर आ रहे हैं इस केसेस में क्या हो रहा है कि अभी तक 100 परसेंट की हिस्सेदारी थी और ये 50 15 30 और बाकी मतलब थोड़ा थोड़ा थर्टीन थर्टीन परसेंट या फोर्टीन परसेंट ऐसा कुछ बेच रहे हैं एट परसेंट ये बेच रही है ओके तो यहाँ पर ओवरऑफ देखेंगे तो सिक्सटी सेवन परसेंट के आसपास का हिस्सेदारी अब यहाँ पर रहती हुई नजर आएगी तो यहाँ पर देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स लगभग मिनिमम एक लॉट के लिए मैक्सिमम थर्टीन लॉट के लिए यहाँ प्लाई अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें कुछ और पॉइंट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चौबीस तारीख को शुरू हुआ था आज लास्ट डेट है एक तारीख को यहाँ पर अगर हम बात करें अलॉटमेंट एक तारीख को यहाँ पर होने वाला है फंड्स अगर आपको मिल जाएगा गुड और नहीं मिलता तो दो तारीख को यहाँ पर फंड को इनिशिएट कर दिया जाएगा क्रेडिट ऑफ शेयर मतलब डीमेट में आपको लगभग पांच तारीख को ये शेयर आ जाएंगे और छह तारीख को यहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा नेक्स्ट मंथ की तो ये सारा का सारा इसका क्या था पूरा का पूरा व्यू था अगर हम बात करें ये शेयर की तो देखिए दो के फेस वैल्यू पे आ रहा है और कहीं ना कहीं ये शेयर अभी थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है और देखिए अगर ये प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2020 में भी इकतीस करोड़ का प्रॉफिट था बट अभी देखेंगे 16 करोड़ का प्रॉफिट है तो कहीं ना कहीं ये इसका प्रॉफिट घटता गर, हुआ नजर आ रहा है रीजन हमें पता है बट स्टिल दो के फेस वैल्यू पे आ रहा है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा महंगा है अगर दस का फेस वैल्यू होता तो टेन टाइम्स यहाँ पर इससे मल्टीप फाइव टाइम्स इसके गुना कर लीजिए तो आपको यहाँ पर पता चलेगा लगभग पंद्रह सौ रुपए के आसपास का यहाँ पर क्या होता हुआ दिखाई देता है ये शेयर आता हुआ दिखाई देता दिखा तो कहीं ना कहीं महंगा शेयर है इस चीज को ध्यान में रखिएगा तो फिर भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक चीज होती है जीएमपी जिसे हम कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर अच्छा है तो शेयर यहाँ पर जब जिस दिन लिस्ट होगा छ तारीख को ओके उस दिन यहाँ पर अच्छा परफॉर्म दे सकता है बट अगर मार्केट का सेंटीमेंट और जीएमपी उस टाइम तक गिर गया तो यह शेयर का जो लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा फिर यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई देता है तो हम बात करते हैं जीएमपी की तो जीएमपी में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो जीएमपी की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग यहाँ पर जो इसका जीएम चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है एटी एट के आसपास तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएमपी लगभग आज के दिन में 88 चल रहा है कल ये एटी थ्री चल रहा था पांच रुपए का यहाँ पर जीएमपी बढ़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट देख के जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है उसी तरीके से भागता हुआ नजर आता है बट याद रखिए मार्केट पे भी डिपेंड करता है अगर मार्केट में नेगेटिविटी आई तो ये जीएमपी भी खत्म होता हुआ दिखाई देगा और नेगेटिव लिस्टिंग डिस्काउंट पे भी यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिखाई दे सकती है बट जीएमपी अच्छा चल रहा है और आज के हिसाब से देखा जाए अगर ये आज लिस्ट होता तो लगभग चार सौ चौदह रुपये पे लिस्ट होता और लगभग सत्ताईस परसेंट का आपको यहाँ पर क्या होता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर प्रॉफिट पच्चीस से सत्ताइस परसेंट का प्रॉफिट होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता तो ये सारी की सारी बातें थी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से तो अभी मत रखिएगा मोनोपोली है अच्छा है बिल्कुल अच्छा है बट अभी थोड़ा चार्ट रिजल्ट सब चीज यहाँ पर देख के एक क्वार्टर दो क्वार्टर के रिजल्ट उस टाइम यहाँ पर सोचिए रेलगाड़ी बिल्कुल भी नहीं भागे जा रही मार्केट में एक से एक बेहतरीन शेयर है आप चाहे तो यहाँ पर अभी जीएमपी अच्छा दे रखा है लगभग 25 परसेंट के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है तो आप उसके लिए यहाँ पर जा सकते हैं ओके बट यहाँ पर सब चीज सोच के समझ के लॉन्ग टर्म के व्यू से फिर उसके बाद रिजल्ट देख के फिर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देगा तो वीडियो में बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस